दोस्तों, शार्दुल ठाकुर भारत के जाने माने क्रिकेटर में से एक है। इनकी करियर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंच चुकी है। इनको हम क्रिकेट जगत में मीडियम फास्ट बॉलर के रूप से जानते हैं। आज की वीडियो में हम शार्दुल ठाकुर की पूरी लाइफस्टाइल आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। शार्दुल ठाकुर का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को पालघर महाराष्ट्र में हुआ था और वहीं पे इन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। इन्होंने अपने करियर में रणजी ट्रॉफी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच और अभी तो ये आईपीएल में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसके लिए शार्दुल ठाकुर का नाम अभी बहुत चर्चा में है। इन्होंने सबसे पहला आईपीएल में कदम किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से रखा था। इसके बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट के साथ भी कुछ साल रहे और 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से ये खेल रहे हैं। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर का पूरा नाम है शार्दुल नरेंद्र ठाकुर। प्रोफेशन, दोस्तों शार्दुल ठाकुर प्रोफेशन से एक इंडियन क्रिकेटर है। जन्म, शार्दुल ठाकुर का जन्म 16 अक्टूबर 1991 को हुआ था। अगर बर्थ प्लेस की बात करें तो महाराष्ट्र के पालघर में इनका जन्म हुआ। हाइट, शार्दुल ठाकुर की हाइट करीब 5 फीट 9 इंच की है और इनकी वेट करीब 66 किलोग्राम की है। शार्दुल ठाकुर की आई कलर ब्लैक है और इनकी हेयर कलर भी ब्लैक है। दोस्तों, 2023 में शार्दुल ठाकुर की उम्र हो चुकी है करीब 31 साल। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। स्कूल, दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने दो स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। पहली है आनंद आश्रम कॉन्वेंट इंग्लिश हाई स्कूल पालघर और दूसरा है मुंबई स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल पालघर। ये दोनों स्कूल से इन्होंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया। और इसके बाद अगर कॉलेज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ पूरा किया। बैटिंग स्टाइल एंड बॉलिंग स्टाइल, दोस्तों शार्दुल ठाकुर एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल डेब्यू के बारे में। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट करियर में 12 अक्टूबर 2018 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला। वही अगर ओडीआई की बात करें तो 31 अगस्त 2017 को इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला। और अगर बात करें टी20 की तो 21 फरवरी 2018 को इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू मैच खेला। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शार्दुल ठाकुर का जर्सी नंबर क्या है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर की इस बार की आईपीएल सैलरी है करीब 10.75 करोड़ रुपए। केकेआर ने इनको 10.75 करोड़ देकर खरीदा है। अब बात करते हैं फैमिली के बारे में। फादर नेम, शार्दुल ठाकुर का फादर नेम है नरेंद्र ठाकुर। मदर नेम, हंसा ठाकुर। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर एक शादीशुदा इंसान है और इनकी पत्नी का नाम है मिताली पारुलकर। नेटवर्थ, शार्दुल ठाकुर का नेटवर्थ है करीब 35 करोड़ रुपए। सैलरी, शार्दुल ठाकुर को सैलरी मिलता है हर साल करीब 6 करोड़ रुपए। कार कलेक्शन, कार कलेक्शन के बारे में उतना तो नहीं पता, लेकिन इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास करीब 1 से 2 करोड़ रुपए की लग्जरी कार है। हॉबीज, शार्दुल ठाकुर की हॉबी है फिल्म देखना और फुटबॉल और बैडमिंटन खेलना। फेवरेट फूड, अगर फेवरेट फूड की बात करें तो सी फूड इनकी फेवरेट फूड है। क्रिकेटर, इनके फेवरेट क्रिकेटर का नाम है सचिन तेंदुलकर। चलिए अब देखते हैं कि फैन फॉलोअर कितना है शार्दुल ठाकुर का। ट्विटर पे इनका करीब 7 लाख फॉलोअर है और अगर बात करें इंस्टाग्राम की तो इंस्टाग्राम पे इनका करीब 17 लाख फॉलोअर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। नंबर वन, शार्दुल कभी एक मोटा लड़का हुआ करता था और उनका वजन लगभग 85 kg था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर ने इन्हें सुझाव दिया कि अपना वेट लूज करें ताकि वह टेलीविजन पर खेलते हुए अच्छा दिखाई दे। इसके बाद इन्होंने अपना वेट लूज किया। नंबर टू, इन्हें 2013 में रणजी ट्रॉफी में मुंबई को रिप्रेजेंट करने का मौका तो मिला, लेकिन ये अपने वजन की वजह से काफी क्रिटिसाइज हुए। नंबर थ्री, शार्दुल ठाकुर ने ग्लेन मैकग्रेथ से अपनी बॉलिंग की ट्रेनिंग ली है, जिससे इन्हें बॉल को स्विंग कराने का कौशल हासिल हुआ। तो दोस्तों, ये थे शार्दुल